टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में घोटाले की खबर सामने आई है। बुलंदशहर के खुर्जा में 17 ऐसे छोटे व्यापारी इसके शिकार हुए हैं जो आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का लाभ लेना चाहते थे। खुर्जा कोतवाली नगर में पुलिस अफसरों को आप बीती सुना रहे ये सब वही छोटे कारोबारी हैं जो इस घोटाले का शिकार हुए हैं। पीड़ितों की माने तो खुर्जा में स्थित इलाहाबाद बैंक की शाखा ने इन सभी को कारोबार के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से 50,000 का शिशु लोन किया था। आरोप है कि लोन की रकम में से सिर्फ 35,000 रुपए ही इनके हाथ में आए, यानी आरोपियों द्वारा उसमें से भी 15,000 रुपए रिश्वत के नाम पर डकार लिए गए। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब कारोबारियों को बैंक से कॉल पहुंचा और बैंक कर्मियों द्वारा इन लोगों को बताया गया कि इन लोगों के नाम पर 2,00,000 रुपए की लोन की अदायगी है। और उसके बाद इन कारोबारियों को पता चल सका कि बैंक मैनेजर और दलालों के गठजोड़ के बाद ये लोग इस घोटाले का शिकार हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा अशोक शर्मा, घास की मंडी खुर्जा का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने FIR जो कराई है, किन लोगों के खिलाफ कराई है, मामला क्या है? अशोक, अरुण भटनागर और बैंक मैनेजर, इन्होंने हमारे संग बहुत धोखाधड़ी करी है। इलाहाबाद बैंक 50,000 रुपए का लोन के 2,00,000 रुपए का लोन निकाला उन्होंने और हमारे हाथ में 35,000 रुपए दे के नहीं कह दिया गया। अभी बाद में बात करेंगे। कब की बात है ये? 2018 की। और अब हम गए हैं तो हमको मार रहा, पीट रहा, गाली कूटते वक्त आया। इससे आश्वासन ये मिला कि आपकी कार्रवाई की जाएगी। पहले लाए थे तो उन्हें विधायक जी ने उन्होंने छुड़वा दिया, वहाँ विजेंद्र सिंह जी ने जी। हमारा मामला है, अशोक कुमार दलाल ने लोन कराया था 2018 में, तो 50,000 रुपये का लोन कराने के कहकर 2,00,000 रुपये लोन रिश्यू करा दिया बैंक में और हम लोगों को 35,000 रुपये देकर कह दिया कि आप जाइए, आपका काम ख़त्म हो गया और आपके नाम 50,000 रुपये का लोन हो गया। बैंक मैनेजर से जब सूचना आई तो 2,00,000 रुपये का हमको बताया गया। हमने जाके बैंक मैनेजर से कहा कि हमारे नाम 50,000 का लोन हुआ है तो आप 2,00,000 रुपये क्यों बता रहे हैं? तो उन लोगों ने कह दिया कि जाइए, ये तो आपको भरना ही पड़ेगा। फिलहाल मामला पुलिस के संज्ञान में आने पर पुलिस ने ब्रांच मैनेजर और दो दलालों के खिलाफ IPC की धारा 406, 420, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये थाना खुर्जा नगर में आज एक अभियोग पंजीकृत किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोगों को जो लोन दिए गए थे वो जितना दिखाया गया है डॉक्यूमेंट में उससे काफ़ी कम मात्रा में दिया गया था। लेकिन जब उनके पास लोन, उनको 50,000 का लोन बताया गया था जबकि 2,00,000 रुपये अब उनके पास लोन बताया जा रहा है। इस फर्जी पखवाड़े को लेकर तत्कालीन मैनेजर इलाहाबाद बैंक और फील्ड ऑफिसर और एक जो दलाल किस्म का आदमी है उनके विरुद्ध धारा 406, 420, 5,000, 506 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की थी, मगर बुलंदशहर में बैंक कर्मी
और दलालों का गठजोड़ सामने आने के बाद कई सवाल खड़े होने लाजमी हैं। खैर, मामले में पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, मगर देखने वाली बात यह होगी कि आखिर पुलिस की जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आ पाता है, या पीड़ित व्यापारी दर दर की ठोकर खाने को मजबूर रहेंगे। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमशुद्दीन सैफी, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।